अभी कम से कम हमारे पास 400 या 500 जने हैं भीड़ में, क्योंकि अजमेर में तीन कॉलेज जो B2 से अफिलेटेड है, एक महिला कॉलेज और एक इंजीनियर अभियांत्रिक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक आर्यभट्ट कॉलेज, सब बच्चों से हमने मिल के एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कॉलेज के आगे हमारे कोई सुनवाई नहीं करे। इसलिए आज हम सब मिल के कलेक्ट्रेट आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे यहाँ से पूरी हो जाए, इसलिए हम सारे बच्चे मिल के आए हैं। हमारी महत्वपूर्ण मांग यही है जो और सेमेस्टर की परीक्षा है वो हमें प्रमोट कर दिया जाए, और इवन सेमेस्टर की परीक्षा है वो हम आराम से ऑफलाइन दे देंगे। वो इसलिए नहीं मांग रहे हैं क्योंकि कोरोना हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है, तो हम चाहते हैं ऑनलाइन हो, लेकिन वो विशेष सर अपने स्वाभिमान के लिए बैठे हैं कि उनको लग रहा है कि उनका स्वाभिमान खराब हो जाएगा, इसलिए वो अपनी बात को लेके बैठे हैं। जी, मेरा नाम अमीशा है। हम लोग अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे सब, और हमारा BTU की जो VC हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। बात यह है कि उधर वहाँ से हमारी मांगे मानी नहीं जा रही है। BTU की खुद की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे 8 दिन हो गए और कॉलेजेस, इतने सारे कॉलेजेस हैं यहाँ, इतने सारे मतलब प्रदर्शन चल ही रहा है, बट वहाँ से कोई मांगे नहीं हो रही हमारी। हमारी मांगे ये हैं कि जितने भी ऑड सेमेस्टर हैं, फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, उनके जो शेड्यूल डेट थी वहाँ एग्जाम्स नहीं हुए हैं। उसके अलावा वो एग्ज़ाम रोकने के बावजूद अगला जो इवन सेमेस्टर है वो स्टार्ट करा दिया गया है। तो अब जब वहाँ से डेट्स आएंगी तो थर्ड सेम के प्रैक्टिकल, वहाँ के रिटर्न एग्ज़ाम, देन फोर्थ के प्रैक्टिकल और रिटर्न एग्ज़ाम सब एक साथ दे देंगे, तो बच्चों पे इतना मेंटल प्रेशर आ जाएगा कि बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि जितने भी ऑड सेमेस्टर्स हैं, हम लोग प्रमोशन चाहते हैं, उसका प्रमोशन चाहते हैं हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए। इवन सेमेस्टर के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ दे देंगे, बट हम ऑड सेमेस्टर का प्रमोशन ही चाहते हैं। आज कहाँ पर आए हैं? आज हम लोग कलेक्टर आए हैं, यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं सर को। हम चाहते हैं, हम उनको बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करी जाए। अगर वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो हमारी स्ट्राइक, हमारा आंदोलन चालू रहेगा।